लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। झांसी में आज 20 फरवरी को तीसरे चरण के मतदान के लिए लोग आए। भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक मतदान किया गया। यहां पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया व नए वर्ग के लोगों ने भी मतदान किया। लोगों में मतदान के लिए उत्साह देखा गया और अपना वोट देकर मतदान किया। देखने को मिल रहा है कि लोगों में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वोटर लिस्ट में उनका नाम न होने के कारण वह वोट नहीं दे पाए। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए झांसी से मंडल हेड इब्राहिम दास की। नमस्कार, इंडिया आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें हम लोगों की राय जानना चाहते हैं कि मतदान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। आइए। नाम क्या सर? नहीं हो रहा सर। आपका नाम क्या? याकूब अहमद मंसूरी, एडवोकेट। सर, जो मतदान हो रहा है उस बारे में क्या कहना है आपका? सर, मतदान वाला शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कोई भी मतदाता किसी को ये बताने को तैयार नहीं है कि वो किसको वोट देकर आया है, किसको नहीं आया। झांसी में बड़ा ही शांत माहौल चल रहा है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊँट किस करवट बैठे, कौन प्रत्याशी निकल जाए। सर, एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, लोगों की जो लिस्टों में नाम नहीं आया, उसे परेशान हो, इस बारे में क्या कहना है आपका? सर, हाँ, नाम तो बहुत से लोगों के कटे हुए हैं, कुछ लोगों के गलत है। मेरी लड़की का नाम रोजी है और उसमें सचिन लिख दिया वोटर लिस्ट में, अब वो भी वोट नहीं डल पाई। ऐसे कई मामले हैं जो वोटर लिस्ट में बहुत से नाम कटे हुए हैं, नाम भी गलत है और गलत नाम होने की वजह से मतदान अधिकारी मना कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम वोट नहीं डलवा सकते। इस तरह बहुत लोगों के वोट नहीं डल पाए। सर, जनता को मतदान के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? वो जनता समझदार है आज की जनता और समझदारी से वोट कर रही है। किसको क्या मिला ये 10 तारीख को मालूम होगा। शाखा, मैं झांसी से हूँ, पहली बार ही वोट दे रही हूँ। हमारे ख्याल से जिसको भी है सबको वोट देना चाहिए, 18 साल से ऊपर के जितने भी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। अब उसी को वोट दें जिसके लिए आपको ठीक लगे, सोच समझ कर ही दें, क्योंकि एक वोट ही बहुत भारी होता है, बहुत ही। देश के विकास के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए और जो भी लोग रहेगा उनके उत्थान के लिए मतदान हो रहा है। सर, किस तरह का विकास? विकास यही चाहिए अपन को, पब्लिक का विकास जो हो जाए जिससे उनको लाभ मिल जाए, सड़क पानी बिजली, इससे विकास होता है तो महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। जो मतदान करने आ रहे हैं उन मतदान करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये मतदान करें, खुल के मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाए। दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ, तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में तो दौरान जो मतदान करने आ रहे हैं उन लोगों से बात करता हूँ। आज दूल्हे जी आए हैं, उनसे बात करना चाह रहा हूँ। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम राज। आप मतदान करे? आपने करे? कैसा लगा मतदान करने? पहली बार किया है। और मतदान जो करने जा रहे हैं उन लोगों की क्या बोलना चाहोगे आप? जो मतदान करने जा रहे हैं वोट डाल ले रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सबको मतदान कैसे बोलो? सबको मतदान करना, सबको मतदान।